हेलो एवरीवन, वेलकम टू AGM क्लासेस। केमिस्ट्री की दूसरी वीडियो है जिसमें हम पीरियोडिक टेबल और ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हुए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन है परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के, परमाणु घनत्व के। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि जो मेंडलीफ जो थे, जो कि पीरियोडिक टेबल बनाए थे, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को किस हिसाब से अरेंज किए हुए थे, परमाणु भार के हिसाब से, परमाणु आयतन के हिसाब से, परमाणु संख्या के हिसाब से, या परमाणु घनत्व के हिसाब से। तो मेंडलीफ जो थे, उन्होंने परमाणु भार के हिसाब से अपने एलिमेंट को अरेंज किए थे पीरियोडिक टेबल में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है, परमाणु भार के हिसाब से इसका आंसर होगा, यानी कि एटॉमिक वेट के हिसाब से होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है हमारा, जो कि मोसले ने बनाए हैं, उन्होंने जो आवर्त पीरियोडिक टेबल में आवर्त जो होता है वो हम आपको समझाते हैं। जैसे ये एक टेबल हुआ, ठीक है, ये टेबल हो गया, तो ये वाली जो ऊपर से जो ये बॉक्स दिख रहा है, ऊपर वाली जो लाइन होगी, ऊपर से नीचे जाएगी, वो होगा हमारा वर्ग होगा, इसको हम वर्ग कहेंगे। और जो बाएं से दाएं जो जो जाएगी वो होगा हमारा आवर्त होगा, जो बाएं से दाएं जाएगी तो वो हमारा आवर्त होगा। ठीक है, तो देखिए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जो प्रत्येक आवर्त होगा, ये जो बाएं से दाएं जाएंगे, तो सबसे लास्ट में हम जानते हैं कि अक्रिय गैस का एक समूह होता है जिसे जीरो जीरो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडन करके आते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होगा, ऑप्शन बोल रहा है कि धातु होगा, या हैलोजन होगा, निष्क्रिय गैस होगा, उपधातु होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, निष्क्रिय गैस होगा, जो इनर्ट गैस हम जिसको कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडन होता है। ये सारे अक्रिय गैस होते हैं, जिसे निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। समझ में आ गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं। तो ऑप्शन है उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ऑप्शन बी उनके द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन सी उनकी संयोजकता के अनुसार बदलते हैं, ऑप्शन डी उनके घनत्व पर निर्भर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि एलिमेंट जो है किस हिसाब से अरेंज के थे, परमाणु भार के, जो कि मेंडलीफ ने किया था, लेकिन जो मोसले बनाए हैं वो परमाणु संख्या के हिसाब से बनाए हैं। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होगा, उनकी परमाणु संख्या के आवर्तन, उनकी परमाणु संख्या पे डिपेंड करेंगे, उनके वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन थे उसके हिसाब से। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है। तो जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, जो मोसले बनाए हैं, उसमें आवर्त की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जो आवर्त हम आपको क्या बताए थे, जो बाएं से दाएं जाएंगे, तो वो जो बॉक्स होगा हमारा, वो जो एक एक खाना होगा, वो हमारा आवर्त कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये टेबल में कितने आवर्त हैं, इस टेबल में बोलेंगे कि ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, और ये तीसरा आवर्त हो गया। तो इसी तरह से जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें कितने आवर्त हैं, तो याद रखेंगे कि इसमें आवर्त की संख्या जो होती है, टोटल 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, और हम आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा डिस्क्राइब कर देते हैं। इसमें होगा जो जो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त जो होगा, इसको हम बोलते हैं लघु आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु आवर्त बोलते हैं। ठीक है, तो पहले आवर्त में 2 एलिमेंट हैं, दूसरे में 8 हैं, और तीसरे में भी 8 हैं। ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट हैं। ठीक, उसके बाद 1, 2, 3 हो गया, उसके बाद
चार पांच और छः जो चौथा है, पांचवा है और छठा है, इसको हम बोलते हैं दीर्घावर्त बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? दीर्घावर्त बोलेंगे, ठीक है। चौथा पांचवा छठा जो होगा आवर्त, उसको हम दीर्घावर्त बोलेंगे, ठीक। और सातवां आवर्त जो है, जो कि अधूरा है, सातवां जो है वो अधूरा आवर्त है। अभी अभी इसमें पूरे एलिमेंट जो है पूरे फिलफिल नहीं हुए हैं, तो ये आवर्त अभी अधूरा इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो हम आपको बता दिए थे कि पहला में, दूसरा में और तीसरा में कितने थे? इसमें थे दो थे, इसमें आठ थे और इसमें आठ थे, ठीक। फिर चौथा, पांचवा और छठा, चौथे में 18 होंगे, पांचवा में 18 होगा, छठा में 32 होगा और सातवां जो है वह अभी इनकम्प्लीट है। चौथा में 18 है, पांचवा में भी 18 है और छठा में 32 है, ठीक है। तो पीरियड टेबल में कितने आवर्त की संख्या है? तो सात। ऑप्शन सी इसका आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो ये जो उदग्र स्तंभ है, तो उदग्र स्तंभ को जो है वो हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, विद्युत रासायनिक क्रम कहते हैं, वर्ग कहते हैं, धातु कहते हैं। तो देखिए ये जो होता है, ये तो आवर्त हो गया जो कि क्षैतिजीय रहता है, ठीक है। जो उदग्र होगा उसको हम आपको बताए थे कि वर्ग कहते हैं, पिछले उस क्वेश्चन में बताए थे हम आपको कि ऊपर वाले जो ऊपर से नीचे आएगा उसको हम, टॉप से बॉटम आएगा उसको हम वर्ग कहेंगे, ठीक है। और जो लेफ्ट टू राइट जाता है उसको हम आवर्त कहते हैं, याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये जो स्तंभ होगा उदग्र स्तंभ, इसको हम क्या कहेंगे? तो वर्ग कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए मेंडलीव के हिसाब से, मेंडलीव से जो था वो क्या था कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, ऑप्शन बी था मेंडलीव के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने बनाया है? तो मोसले ने बनाया है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोसले ने बनाया है, ठीक है। और इनके हिसाब से जो है वो जो एलिमेंट को अरेंज किए हैं वो परमाणु संख्या के हिसाब से अरेंज किए हैं। अभी आपको हम पिछले वीडियो, पिछले कुछ क्वेश्चन में हम आपको बताए थे, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु संख्या के हिसाब से आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण है वो किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार, ये रिपीटेड क्वेश्चन लगता गया है जो, या फिर अभी हम आपको बताए थे, थ्योरेटिकली बताए हैं कि आपको ये ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी परमाणु आयतन, ऑप्शन डी परमाणु घनत्व। तो मेंडलीव पूछ रहा है मोसले के हिसाब से क्या था? परमाणु संख्या, लेकिन मेंडलीव के हिसाब से क्या था? परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित आवर्त में किसमें 18 तत्व होते हैं? तो आपको बताए थे, अभी बताया था आपको कि पहला, दूसरा और तीसरा जो होता है वो लघु आवर्त है, चौथा, पांचवा, छठा जो है वो दीर्घ आवर्त है, सातवां जो है इनकम्प्लीट है। पहला में दो था, दूसरा में आठ था, तीसरा में आठ था, चौथा में 18 था, पांचवा में 18 था, छठा में 32 था और सातवां इनकम्प्लीट था। तो ऑप्शन है कि प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, खष्टम यानी कि सिक्स, ये खष्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब है सिक्स, ठीक है। तो सिक्स्थ में कितने हैं? 32 हैं। पहला में दो होता है, तीसरा में आठ है, चौथा में 18 है। तो 18 तत्व किस में होते हैं? ऑप्शन सी हमारा और हो जाएगा, चतुर्थ में, ठीक है। याद रखने के लिए याद रखिएगा, 2 8 8, 18 18 32 और इनकम्प्लीट, ठीक है। इजी है, दो चार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी के 7a के तत्व होते हैं, तो आपको हम बताएं जो वर्ग होते हैं, जो आवर्त सारणी में जो वर्ग वाले जो एलिमेंट होते हैं वो दो में डिवाइड होते हैं। ये जो ऊपर टॉप टू बॉटम होते हैं ना वर्ग वाले एलिमेंट, इसको दो में, ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ए और बी। जैसे 7 है तो 7a होगा, 7b होगा, 5a होगा, 5b होगा, 8a होगा, 8b होगा, इस तरह से डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी के
सेवन ए के तत्व कहते हैं, हाइलोजन कहते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, निष्क्रिय गैस की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रखते हैं, अज्ञात तत्व है। तो आपको हम बता दें कि ये जो सबसे लास्ट में जो होते हैं, जो वर्ग है, लास्ट वाला वर्ग है, वो 8A होता है, वो 8A होता है। उससे पहले जो होता है वो 7A होता है, 7A होता है, ठीक है। तो 8A वाले को सबको पता है कि निष्क्रिय गैस कहते हैं, और 7A वाले जो होता है उसको हैलोजन कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। हैलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ये जो होता है हमारा हैलोजन ग्रुप में आता है, ठीक है। तो 7A का तत्व याद करके रखिएगा कि आवर्त सारणी का जो 7A का तत्व होगा वो हैलोजन कहलाएगा, और 8A का जो तत्व होगा वो निष्क्रिय गैस कहलाएगा। और एक क्वेश्चन रिपीटेड था, पिछले क्वेश्चन में आया हुआ था कि आवर्त सारणी के आवर्त का अंतिम, किसी भी आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, एक तत्व की परमाणु संख्या 11 है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित आवर्त में यह किस आवर्त का तत्व है? तो परमाणु संख्या 11 है, परमाणु संख्या 11 है, किसका 11 होता है? तो याद रखेंगे कि सोडियम का 11 होता है, ठीक है। तो यह किस आवर्त का तत्व है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। तो बहुत लोगों को याद होगा कि ऐसे लोग याद रखते हैं, ह ली ना की, तो पहले वर्ग, जैसे पहले वर्ग होता है, पहले वर्ग को याद करने के लिए ऐसे याद करते हैं, हलीना की रब से फरियाद, ह ली ना की रब से फरियाद। ह से हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ह ली ना की रब से फरियाद, यानी कि ये फर्स्ट का, फर्स्ट पहला वर्ग जो है उसका तत्व हो गया, ठीक है। ये आवर्त हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये सातवा। तो देखेंगे कि सोडियम किसने पे आ रहा है? तीसरे आवर्त पे आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा आवर्त हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोग को यहाँ पे दिक्कत हो रहा हो तो एक वीडियो हम और बनाएंगे, उसमें और क्वेश्चन लाएंगे, उसमें होगा तो हम आपको क्लियर कर देंगे डाउट क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा आप लोग कि क्या नहीं आ रहा है। नहीं, अगर आप लोग को ज़्यादा दिक्कत आएगा पीरियड टेबल पढ़ने में, तो हम आपको एक दिन एक क्लास में, लेक्चर में पीरियड टेबल हम पढ़ा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है सो बहुत ही पीरियड टेबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आजकल एग्जाम, हर एग्जाम में आने लगे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, जो मेंडलीफ था उसके आवर्त सारणी में क्या था? ऑप्शन है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घनत्व बढ़ता है, बी है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने परमाणु का आकार घटता है, सी है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ता है, डी है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण घटता है। ये मेंडलीफ का है। तो मेंडलीफ में क्या हो रहा था कि उसके वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार घटता था। ये वर्ग हम आपको बताए थे, आपको वर्ग क्या होता है? टॉप से बॉटम होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार घटता है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने, डोबरेनर ने, मेंडलीफ ने, मोसले ने। अभी हम आपको बताए हैं कि जो मॉडर्न पीरियड टेबल हमारा है, आधुनिक आवर्त का नियम है, उसको किसने डिफाइन किया है? मोसले ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, मोसले ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तत्व में किसका आयनन विभव सबसे कम है? पूछ रहा है कि आयनन विभव जो है सबसे कम किसका है, ठीक। तो ऑप्शन है सोडियम, सीजियम, फ्रांसियम, आयोडीन। तो देखिए, ये सारा अगर आप देखेंगे, ये जो है पहला ग्रुप अगर देखेंगे तो क्या है? ह ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। तो क्या होता है कि जो
ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनिक विभव कम होता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते हैं आयनिक विभव कम होता है, तो सीजियम देखिएगा कि फ्रांसियम होना चाहिए, लेकिन फ्रांसियम हमारे ऑप्शन में नहीं है, सीजियम दिया हुआ है। तो सीजियम का जो होगा आयनिक विभव सबसे कम होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। सीजियम का जो होता है आयनिक विभव सबसे कम होता है। आयनिक विभव जो होता है ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ठीक है, और बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है। तो फ्लोरीन आयोडीन इधर जाता है, तुम्हारा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, तो इधर जाने पे बढ़ेगा, मेरा इधर आने पे सीजियम पे घटेगा। तो सीजियम जो होता है इसका हमारा सबसे, इसमें ये जो ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, सोडियम सीजियम फ्रांसियम आयोडीन, इसमें आयनिक विभव सबसे कम जो है वो सीजियम का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है, विद्युत धनात्मक पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 है। ऑप्शन में दिया हुआ है पोटासियम क्लोरीन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो इसका आंसर होगा हमारा मैग्नीशियम होगा। आपको बता दें कि जो विद्युत धनात्मक का जो गुण होता है पीरियोडिक टेबल में जो डिफाइन किया गया हुआ है वो हमारा इस हिसाब से किया हुआ है कि बाएं से दाएं जाने पे घटेगा और ऊपर जाने पे जो है विद्युत धनात्मकता वो बढ़ता है। ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा और दाहिने में मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो घटेगा, ये चीज़ है। तो मैग्नीशियम का जो है वो विद्युत धनात्मकता अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला कि आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है। तो आपको बताए थे कि 2, 2, 8, 8, 18, 18, 32 इनकम्प्लीट। तो पूछ रहा है कि चतुर्थ आवर्त में, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कितना है, 18 एलिमेंट है, ऑप्शन डी इजी है। समझ में आया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 16 नंबर, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कुछ क्वेश्चन है। जैसे इसमें पूछ रहा है कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है, विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो इसमें जो होगा अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण पूछ रहा है। तो अवकरण में जो होगा हमारा ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, अभी ऑक्सीजन की तरफ था, अभी इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है न ग्रहण होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिस, एटीन नंबर क्वेश्चन है, अवकारक वैसे पदार्थ हैं जिनमें, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, दूसरे यौगिक से ऑक्सीजन लेने की प्रवृत्ति होती है, दूसरे यौगिक के विद्युत धनात्मक तत्व का अनुपात बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। तो अवकारक पूछ रहा है, अवकारक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, आंसर होगा हमारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन बी। अवकारक जो होते हैं वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होते हैं, उसे अवकारक कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीकारक वैसे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, न तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की और न ही ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 19 का होगा हमारा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकारक में होती है। पिछला क्वेश्चन आपने था कि ऑक्सीकारक था, ऑक्सीकारक वैसे बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, और अवकारक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। ऑक्सीकारक ग्रहण करेगा यानी कि लेगा,
वन मिनट, ऑक्सीकारक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ग्रहण करेगा, और अवकारक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 20 नंबर, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के संयोग करने को क्या कहते हैं? किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के संयोग करने को क्या कहते हैं? अवकरण, ऑक्सीकरण, ये सॉरी ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, ऑक्सीकारक कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होगा, डी है कोई नहीं। तो किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के संयोग करने को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन का संयोग करना ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर Na प्लस, यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, ये Na प्लस होगा, जो सोडियम होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने पे उस पर जो चार्ज आता है वो Na प्लस हो जाता है। इस क्रिया में सोडियम की क्या होती है? ऑप्शन है अवकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ऑक्सीकरण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कुछ नहीं। तो ऑक्सीकरण में जो तत्व की संयोजकता होती है वो बढ़ जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में, क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के संयोजित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु की पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। तो 23 में इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु के संयोजकते इलेक्ट्रॉन संयोजित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जो जो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया में भाग लेते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी को कहते हैं हम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीकरण में जो होती है तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक का नाम है? बर्जीलियस, बोरबरी, न्यूलैंड, प्राउट। तो जो अष्टक नियम था वो एक, अगर आपको याद होगा तो न्यूलैंड का अष्टक नियम करके आ रहा था, लिखा हुआ प्रीवियस टेबल में है, एक टॉपिक है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो अष्टक नियम जो है वो न्यूलैंड ने बनाए थे, और इनका आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पे कुछ कमेंट करना होगा मैसेज कमेंट कीजिएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम आया तो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।